सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मार्कअप जो है, अगर लेट से आपको जो है कैलकुलेट करना हो, आपको प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस या कॉस्ट किसी भी इक्वेशन में कैलकुलेट करनी हो और आपको मार्कअप दिया हुआ है, जैसा कि मेरी अभी प्रीवियस अभी वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखिए मार्कअप जो है ना, मार्कअप में जो आपकी बेस होती है, क्योंकि मार्कअप में आप प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट शो करते हैं, तो बेस आपकी जो है वो कॉस्ट होती है और बेस हमेशा 100% होती है। सही है। अब एक सिनेरियो बना लेते हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक। लेट्स से जो है मैंने एक आइटम खरीदा, लेट्स से ये मैंने पेन खरीदा, ये 1000 रुपये का था और मैं सोचता हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है 250 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँगा। सही ना, मतलब 25% मार्कअप कमाऊँगा, 250 डिवाइडेड बाई 1000। सही ना, 25% मार्कअप कमाऊँगा। कैसे आया? 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो 25% आ गया। तो इन टर्म्स ऑफ रुपी अगर मैं बोलूँ तो मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो है 1250। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ रुपी की जगह इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी कॉस्ट है वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? मेरी कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है 100% को। और चूंकि मार्कअप है तो मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे लगता है, तो मार्कअप जो है वो 25% जो कि दिया हुआ भी है, मैंने खुद ने आपको बताया। और जो सेलिंग प्राइस है वो इन दोनों का सम होगी, 100 + 25 = 125। अब ये पूरी इक्वेशन है इस मॉडल में, मैंने आपको सारी फिगर्स जो है ना वो बताई नहीं है, इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी बताई नहीं है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी बताई नहीं है। अब इसको हम लॉजिकली देखते हैं। अभी हमने यूनिटरी मेथड देखा था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि आप किस तरीके से किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कोई अमाउंट दी गई हो और उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज दी गई हो, तो आप उसके अगेंस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, लेट से आपके पास सवाल में केस 1, आपके पास सवाल में सिर्फ कॉस्ट दी हुई और आपको बोला जाता है 25% मार्कअप है, बस इतना सिनेरियो। अब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट निकालना है, तो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग, तो वही वाला रूल। सही है। अभी तो चूंकि फिगर्स आपको जो है मैंने मॉडल बताने के लिए जो है फिगर्स को सारा बताया हुआ है, सही है ना, एग्जाम सिनेरियो में, सही है, असेसमेंट सिनेरियो में आपके पास ये फिगर्स नहीं होंगी, आपको बस इतना लिखा हुआ होगा कि आपके पास ये अमाउंट है और मार्कअप का ये परसेंटेज है, एंड यू वुड बी सपोज टू कैलकुलेट द अदर 2 हाफ्स ऑफ द इक्वेशन। अब लेट से सर आपको जो है कॉस्ट दी हुई है 1000, अब आपको 1000 की मदद से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लेट से अगर मैं बोलता हूँ मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, 1000 की कॉस्ट है, 25% मार्कअप है, इसका मतलब है बेस क्या है? कॉस्ट। सही है ना। मार्कअप का मतलब क्या है? कि मार्कअप जो कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट की बेसिस पर ही होता है। इसका मतलब है ये जो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं 1000 को डिवाइड करता हूँ 100 से, सही है, और मुझे पता है अगर कॉस्ट है 100%, मार्कअप है 25%, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी? 125। तो अगर मैं 1000 को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज 100 से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करता हूँ 125, तो आपके पास 1250 डायरेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यही चीज दी गई है एंड यू आर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अज्यूमिंग द सेम सिनेरियो, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे 1000 की कॉस्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 100 को और प्रॉफिट की परसेंटेज है 25, तो देखें आपके पास 250 आ जाएगा। अच्छा हसन, ये तो अभी आपको कॉस्ट दी हुई थी, व्हाट इफ कॉस्ट ना दी हुई हो? केस 2, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट केस 2। सर सेलिंग प्राइस है 1250, अज्यूम करते हैं सेम इक्वेशन सेम सिनेरियो, आपको अब कॉस्ट और प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस दी हुई है 1250 और आपको बोला जाता है मार्कअप है 25%। अब आपको कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है, आपको कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है, तो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग दैट? अब सर आपको पता है चूंकि मार्कअप है 25%, तो इसका मतलब है कॉस्ट होगी 100% और सेलिंग प्राइस होगी 125%। इसका मतलब है ये जो 1250 है जो कि आपको गिवन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग 125%। आपको क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है? चूंकि मार्कअप है तो कॉस्ट 100% होगी, देखें 1000 ही आएगा। अब आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग? अगर आपको प्रॉफिट निकालना है और आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो 1250 विच इज रिप्रेजेंटिंग 125 और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 25% मल्टीप्लाई बाई 25 करें, तो देखें यू वुड गेट 250। तो सर हम तो जो है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेके भी निकाल सकते हैं। जी निकाल सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एक तरीका एक कार बता रहा हूँ। अच्छा सर, कॉस्ट से गिवन थी, आपने सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट निकाल के दिया,
अभी सेलिंग प्राइस आपने गिवन दी और फिर आपने उसी इक्वेशन से कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल के दिया। अब सर व्हाट इफ सवाल में से प्रॉफिट और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो मार्कअप के केस में, फिर आप कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे केस थ्री। तो सर लेट्स से प्रॉफिट है 250 और ये 25% का मार्कअप है, तो इसका मतलब ये बेस क्या होगी कॉस्ट, और कॉस्ट 100% होगी। जब कॉस्ट 100% है प्रॉफिट 25% है तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, 125%। तो आए सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। 250 इज रिप्रेजेंटिंग 25 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखें 1000 ही आपके पास आएगा। इसके बरक्स अगर आपको जो है सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 250 को डिवाइडेड बाई 25 कर दें मल्टीप्लाई बाई 125 कर दें तो यू वुड गेट 1250। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ईजीएस्ट वे में मार्कअप निकालने आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आगे जितने भी आपके पास सिनेरियोज होंगे सो यू वुड बी एबल टू ईजीली कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और कॉस्ट व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्विज़ेज़।